तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई है? किसी ने मारा है क्या तुझे? यार मैं क्या बताऊँ तुझे, पता है ना तू देख रही है मेरे शक्ल की हालत क्या हुई, मेरे को कितनी ज्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो गए हैं, यू कैन सी यार। बस इतनी सी प्रॉब्लम, तेरे को ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, टैनिंग हो रही है, व्हाइट हेड्स, इतनी सी प्रॉब्लम की ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठना? मेरा सारा स्क्रबर भी खत्म है, फेस स्क्रबर, बॉडी स्क्रबर, सारा कुछ खत्म है ना, तो मेरे शॉप पे मैं जा पा रही हूँ ना ही तो मेरा ऑनलाइन कुछ मिल रहा है, मैं क्या करूँ यार। अच्छा अच्छा तेरे प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या खत्म हो? अच्छा अच्छा तेरा स्क्रबर खत्म हो गया, फेस स्क्रबर, बॉडी स्क्रबर, सारा कुछ तेरा खत्म हो गया। तो क्या हुआ खत्म हो गया तो इसमें इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तुझे बताऊंगी कि तू घर पे कैसे बना सकती है फेस स्क्रबर या फिर बॉडी स्क्रबर? तो क्या बताएगी यार, घर का ऐसा कुछ भी स्क्रबर नहीं होता जो मैं ट्राई कर सकूँ। कौन समझाए तेरे को, तू एक बार यूज कर ले उसके बाद फिर बोलना, अगर तुझे वो वर्क नहीं किया फिर तू मुझे बताना, ठीक है? अच्छा फिर ठीक है, चल तू बता फिर। तो चल फटाफट से उसको बना लेते हैं और तुझे भी बताते हैं कि कैसे बनाना है, तुझे कैसे यूज करना। और हाँ आप लोग भी जरूर से देखिएगा कि इस स्क्रबर को आप कैसे बना सकते हो, इसको कैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो चलो कर लेते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं कि स्क्रबर आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले ले ले क्लीन कंटेनर, खाली सा कोई भी, और उसके बाद उसमें ऐड करना है राइस फ्लोर। यहाँ मैंने चावल को पीस करके उसका आटा बना लिया, एंड उसमें ऐड करना है शुगर, शुगर को भी मैंने पीस करके उसका पाउडर फॉर्म बना लिया। दोनों को मिक्स करके एक कंटेनर में ले लेना है इस तरीके से, जितना बनाना हो और जितना मैं यूज़ कर सकती हूँ उतना उस हिसाब से मैं यहाँ पर ले लूँगी। एंड इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे करीब 8 से 10 ड्रॉप तक रोज़ वाटर। रोज़ वाटर ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या करता है आप लोगों को पता ही है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और नॉरिश रखने में हेल्प करता है, तो ग्लिसरीन हमें ज़रूर से ऐड कर देना है। और ये आपका लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला, आप इसको 1 वीक तक आप फ्रिज में कंटेन करके रख सकते हो, आपको इसे फ्रिज में ही कंटेन करना है। और इसके बाद इसमें ऐड कर देना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं यहाँ पर VLCC का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, अगर के पास घर का प्योर एलोवेरा जेल है तो आप उसको भी यूज़ कर लो। एंड देन इसमें मैं अपना बॉडी वॉश ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे जब बॉडी स्क्रबर बनाओगे तो आपको यहाँ पे बॉडी वॉश यूज़ करना है, और अगर बॉडी अगर आप फेस स्क्रबर बनाना है आपको तो यहाँ पे आपको फेस वॉश अपना ऐड करना है। और इसके बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स कर देने के बाद अब इसमें कोई सा भी जो आपका फेवरेट सा ऑयल हो, वैसे तो यहाँ पे एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आज ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा एसेंशियल ऑयल ख़त्म है, तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। एंड अब इतनी चीज़ों को यूज़ करने के बाद इसमें अप्लाई करके इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, इसका एक लिक्विड एंड थिक सी कंसिस्टेंसी बन के एक स्क्रबर फॉर्म की रेडी हो जाएगी, जो कि बहुत ही ईजिली एंड घर पे आप अच्छे से बना ही सकते हो। अब देख लो सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बीट रूट जूस यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है गाइज, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करो, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ ना करो, पर ये ऑप्शनल है। और इसमें 1 से 2 चम्मच तक मैं बीटरूट जूस डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा इसका कलर अट्रैक्टिव हो जाए, बट ये टोटली ऑप्शन है, इसकी जगह पे आप थोड़ा सा कलर के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो टर्मरिक, टर्मरिक को भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्म दिखने वाला है अट्रैक्टिव। अब चलो मैं दिखाती हूँ इसको अप्लाई करके, पहले फेस पे मैं अप्लाई करूँगी इसे, एंड उसके बाद मैं बॉडी पे अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी। हाँ तू भी देख ले कि इसको मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। फेस पे अप्लाई करने के लिए आपको बॉडी वॉश की जगह अपना फेस वॉश ऐड कर देना, क्योंकि बॉडी वॉश को आप फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जेंटली स्क्रब कर देना है। स्क्रब करने के बाद जो आपको अपने बॉडी एंड आपके फेस पे जो सॉफ्टनेस नज़र आएगी ना, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, ये स्क्रबिंग आपको डेली कतई नहीं करनी है, आपको वीक में 3 से 4 टाइम्स ही स्क्रबिंग करनी है। और इसके बाद स्किन पे लगाना है, तो बॉडी पे आपके ना जितने भी डेड स्किन सेल्स की एक लेयर जो हो जाती है ना, वो बहुत ही ईजिली रिमूव कर देगा, एंड उसके साथ साथ जो फेस पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है उसको परमानेंटली रिमूव कर देगा। अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करोगे तो कभी भी आपको डेड स्किन सेल्स, टैनिंग एंड ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे वाह सच में, ये तो तूने यूज़ करके भी दिखा दिया यार, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी इसको ट्राई करती हूँ जाके। तो आप लोगों ने देखा ना कि आप लोगों को ये स्क्रबर कितना इजीली आप लोग घर पे बना सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। जब आपका स्क्रबर, फेस स्क्रबर, बॉडी स्क्रबर ख़त्म है तो आप
कितने इजीली तरीके से अच्छे से इसको बना सकते हो। तो देर किस बात की, जाओ और फटाफट से बनाओ, यूज हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टा पे टैग करके बताना जरूर कि आप लोग को कैसा लगा। इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रही होगी। और अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके वहां पे फॉलो करिए, एंड इंस्टा की जो आईडी है वो आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो रही है, गो एंड फॉलो मी देयर।